हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मनचाओ सूप। जब भी बात इंडियन चाइनीज़ की आती है गाइस, तो मनचाओ सूप का नाम पहले आता है, क्योंकि ये हर किसी का फेवरेट है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास में है 200 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, आप चाहें तो थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये है स्प्रिंग ऑनियन और 2 टुकड़ा मैंने लिया अदरक का, क्योंकि अदरक इसके अंदर ज़्यादा जाती है, और एक रेड चिल्ली ले लिया। तो चलिए पहले हम नूडल्स को फ्राई कर लेते हैं। ये बॉयल नूडल्स के अंदर मैं डालती हूँ 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, मुझे ऐसे ही पसंद है। आप चाहें तो डायरेक्ट नूडल्स को फ्राई कर सकते हैं, वो भी क्रिस्पी बनेगा, बट ये कॉर्नफ्लावर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी होते हैं। तो ऑयल गर्म हो रहा है बिल्कुल तेज़ ऑयल में, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ ऑयल के अंदर ही इसे आपको फ्राई करना है, अदरवाइज़ ये सॉगी बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सारे नूडल्स फ्राई हो चुके हैं और ये है मेरे पास में 4 कप होममेड चिकन स्टॉक, जिसे मैंने 2 दिन पहले ही बनाकर रख लिया था। और अब हम जिंजर गार्लिक स्प्रिंग ऑनियन को बारीक चॉप कर लेते हैं। कट चुकी हैं और अब हम बाकी की चीज़ों को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या जाने वाला है। तो ये है 1 टीस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सोया सॉस लिया है। मैं पहले 1 टेबलस्पून डालूंगी, टेस्ट करूंगी, ज़रूरत लगेगी तो और डालूंगी। और ये रहा 2 से 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ब्लैक पेपर भी जाएगा उसके अंदर। और चिकन को भी हमने पहले से कट करके रखा है, ये आपको दिखा दिया था मैंने पहले ही। और इसके अंदर जाएगा वाइट विनेगर। और ये है सब्जियां जो हमने चॉप करके रखी। एक पॉट में मैंने डाल दिया 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और पूरी जिंजर हमने जो चॉप करके रखी थी वो डाल दिया। गार्लिक डाल देते हैं और अब डालेंगे थोड़ी सी पहले रेड चिल्ली, टेस्ट करेंगे, अगर हमें कम लगेगी तो हम बाकी की भी डाल देंगे। वैसे इस सूप के अंदर जिंजर ज़्यादा जाता है, जिंजर की शार्पनेस इस सूप के अंदर बहुत आती है। और अब हमने डाल दिया है वाइट पार्ट जो है स्प्रिंग ऑनियन का। और अब चलिए चिकन डाल करके 2 से 3 मिनट हम इसे भूनेंगे। चिकन का अपना पानी ड्राई हो गया है और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं चिकन स्टॉक। एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने इसे टेस्ट कर लिया है, मुझे चिल्ली थोड़ा और लग रही है कि जानी चाहिए, तो पूरी चिल्ली मैं यहाँ पर यूज़ कर ले रही हूँ। सोया सॉस भी मैंने इसके अंदर पूरा डाल दिया है 2 टेबलस्पून। अब चलिए हम इसको थिकन करने के लिए कॉर्नफ्लावर को डाइल्यूट करते हैं थोड़े से पानी के साथ में। कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है गाइस मैंने, एक हाथ से स्टर कर रहे हैं, दूसरे हाथ से हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया।
और इसे कंटिन्यू मैं 1 मिनट और पकाऊंगी ताकि कॉर्नफ्लावर बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और ये देखिए धीरे धीरे करके सूप हमारा थिक होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी प्याज डाल देते हैं। बस ये रेडी है सर्व होने के लिए। सूप को थोड़ा सा थिक बनाइएगा क्योंकि ये जब ठंडा होना शुरू होता है तो ये वाटरी होता जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा स्ट्रीट पर या फिर रेस्टोरेंट में जब आप पीते होंगे कि सूप ठंडा होने के बाद वाटरी हो जाता है, तो इसे आप थोड़ा थिक रखें। बस अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। सर्व होने के लिए तैयार है ये। ऊपर डालेंगे थोड़ा हरा धनिया और डालेंगे क्रिस्पी फ्राइड नूडल्स, जिसके बिना तो ये सूप बिल्कुल अधूरा है।